हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, किसी संख्या के 1/5 में से 4 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। कितने प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन ऑफ 30, 32, 34, 35। देखिए क्या कह रहा हूँ, किसी संख्या, माना एक संख्या क्या होगी, x होगी, और उसमें से x के 1/5 का मतलब क्या होगा, गुणा, यानी कि 1/5 x है ना, इसमें से कितना घटाएंगे अपन, 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है, 3। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट कट में हल करेंगे, ये 1/5 x है, ये 3 4 प्लस के इधर आए तो, माइनस के इधर आए तो प्लस हो गए, 3 + 4 कितना हो गया, 4 × 3 = 7, और 1/x यानी कि x बराबर 7, इसके गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग वाली संख्या गुणा में, यानी 7 × 5 = 35। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, भाग वाली संख्या गुणा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी संख्या की 3/4, क्या कहा उसने, 3/4 में 3 जोड़ दें तो 21 प्राप्त होता है। 3/4 यानी कि 3/4, चौथाई का मतलब क्या हो, 3/4 एक्स, इसमें कितना जोड़ दें, जोड़ने कह रहा है 3, कितना प्राप्त होगा, 21, मतलब 21। ठीक है, तो 3/4 एक्स बराबर, ये प्लस वाली संख्या माइनस में आएगी, तो 21 में से 3 गए तो कितने बचे, 18, यानी कि एक्स बराबर 18, इसकी गुणा वाली संख्या भाग में, और भाग वाली संख्या गुणा में ना, 3 गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, और 4 भाग में तो कहाँ जाएगा, गुणा में। काट दें इसको, 3 × 6 = 18 और 6 × 4 = 24, 24 तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ठीक, अगला सवाल देखिए, किसी संख्या के में 19 जोड़ दें तो 8 प्राप्त होता है। 19 जोड़ दें और 8 से भाग दें तो 8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए, माने संख्या x है और इसमें कितने जोड़ना अपनों को, 19, और भाग कितने से देना, 8 से, कितना प्राप्त हो रहा, 8, तो बिल्कुल इसी का है, कुछ नहीं करना, x प्लस 19 बराबर ये 8, और भाग वाले से क्या कहा जाएगी हमेशा, गुणा में, तो 8 × 64, और x बराबर ये प्लस वाली संख्या इधर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो 4 यानी 14 में से 9 गए तो 5, 9 × 5 = 14, 5 में से गए तो 4 यानी कि 45, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर दो बड़ी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, तो ऐसे सवाल आप पेन कापी लेके उठा के बैठ जाइए, नेक्स्ट सवाल कीजिए। देखिए, किसी संख्या 5/2 में से 7 निकाल दें तो परिणाम 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन 12, 11, 10, 13। देखिए 5/2 एक्स में से कितना निकालने कह रहा, 7, कितना प्राप्त हो रहा, 23, तो 7 माइनस किधर है, प्लस कितने ना, तो 23 + 7 और 5/2 एक्स, और 5/2 एक्स बराबर 23 में 7 कितने हो गए, 30, तो x बराबर 30/, इसकी जो गुणा वाली संख्या है 5 भाग में, और भाग वाली संख्या गुणा में। ठीक है, 5 से 5 = 30, 6 × 2 = 12, x बराबर 12। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा बच्चा है, किसी संख्या में कि 2/3 का दुगना 12 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2/3 क्या कह रहा है मेरे, कि 2/3 यानी 2/3 एक्स, अब फिर क्या कह रहा है कि इसका दुगना, दुगना मतलब 2 से गुणा करो, कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
तो ये जो एक्स हैं, एक्स बराबर 12 और 2 दिन क्या होगा 4, तो ये गुणा है, गुणा संख्या भाग में, और भाग वाली संख्या 3 गुणा में, ठीक है। 4 से काटा, 4 ती है 12, 3 ती है 9, यानी एक्स बराबर 9। एक्स बराबर कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन अपना राइट होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करने बोला है।